बांदा यूपी में सरकार बदली लेकिन नहीं बदला तो बुंदेलखंड में सुदखोरों का क्रूर बर्ताव। बुंदेलखंड में चप्पे चप्पे में नासूर की तरह फैल चुके सुदखोरों के काले धंधे पर अब तक शासन या प्रशासन कोई भी अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। आए दिन किसानों की जान लेने वाले इन सुदखोरों के आतंक से अब व्यापारी भी खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा से सामने आया जहां सूदखोरों की गिरफ्त में फंसे एक सर्राफा व्यापारी की खुदकुशी करनी पड़ी। खुदकुशी से पहले पुलिस के नाम मृतक ने सुसाइड लेटर भी लिखा है जिसमें सूदखोरों की क्रूरता के चलते खुदकुशी की बात कही है। फिलहाल हर मामले की तरह इस घटना में भी अधिकारी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। बांदा में इस बार सूदखोरों ने अपना शिकार बनाया शहर कोतवाली के छोटी बाजार निवासी RSS कार्यकर्ता मैया दिन सोनी के दामाद सर्राफा व्यापारी मुकेश कुमार सोनी को। शहर के एक अवैध सूदखोर सुनील सोनी ने इस युवा व्यापारी को इतना परेशान किया कि युवा व्यापारी मुकेश ने आज खुद को फांसी लगाकर इस सूदखोर ही नहीं जिंदगी से भी पीछा छुड़ा लिया। मरने से पहले मुकेश ने पुलिस के नाम सुसाइड लेटर भी लिखा है जिसमें उसने अपनी व्यवस्था सुनाते हुए सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सुसाइड लेटर के मुताबिक मुकेश ने काम बढ़ाने के लिए 2 माह के लिए सुनील सोनी से 30 ग्राम सोना उधार लिया था। हर माह 4 ग्राम सोना सुनील सोनी को वापस भी कर रहा था लेकिन सूदखोर ने 30 ग्राम सोने के बदले कई गुना सूद लगाकर 100 ग्राम सोने की मांग कर दी और मुकेश को इतना प्रताड़ित किया कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं इस मामले में जब ADM बांदा से सवाल किया गया तो इस मामले में भी वही रटा रटाया जवाब देकर अपने फर्ज की हिस्ट्री करते दिखे। ADM का कहना था कि पुलिस अपना काम कर रही है और अगर सहकारी एक्ट के खिलाफ मामला जाँच में आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि संज्ञान में आया है कोई मुकेश सोनी नाम के लड़के के बारे में आया है और उसमें पुलिस भी अपना काम करेगी। एज ए साहूकारी अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी होने के नाते मैं भी उसमें कार्रवाई करूंगा और जांच कराई जाएगी। अगर सूदखोरी के कारण से अगर कोई बात भी होगी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने पूछा उससे कि क्या दिक्कत है तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि घर पे चले जाओ देख लो क्या हुआ है। तो हम घर पे आए, जैसे ही घर दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोल करके देखा तो उनकी लाश लटक रही थी पंखे से। समस्या आज तक हमसे डिस्कस नहीं की उन्होंने आज तक। हम लोग तो बहुत अच्छे से मिलने जुलने वाले थे, उनसे कई बार पूछा भी गया, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, वो भी जॉली नेचर के थे, बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के। उन्होंने पता नहीं क्या डिप्रेशन था उनको, शरीर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अभी उनकी 8 दिन पहले उन्होंने एक शादी निपटाई है अपने साले की, सब सही चल रहा था, लेकिन अब क्या कारण है ये हमने पुलिस को अवगत करा दिया है। अभी कर्जा भी बताइए ना।